कृष्णावली 6.5 सवाल है 15 क्या क्या ज्ञात है इसमें सवाल आपको लिखेंगे किताब से ज्ञात है आपको ज्ञात है कि ए बी सी ए समबाहु त्रिभुज है सबसे पहली बात चलिए उसके बाद भुजा बी सी पर बिंदु डी स्थित है दूसरी बात एक त्रिभुज एबीसी है समबाहु और उसकी एक भुजा बीसी पर बिंदु डी स्थित उसके बाद ये बता रखा है BD बराबर A बटा 3 BC ये तीसरी बात बता दीजिए ये तीन बातें आपको बताई हैं इसकी सहायता से आपको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है 9 डिग्री स्क्वायर 7 डिग्री स्क्वायर कोई समस्या इसमें अब चित्र बना लेते हैं चित्र बनाने के बाद पता लगेगा कि रचना करनी पड़ेगी या नहीं तो एक संभाव्य त्रिभुज बनेगा ये है संभाव्य जिसकी तीनों भुजाएं आपस में ऐसी होंगी बराबर कैसा त्रिभुज है नाम में पता लग गया त्रिभुज कोई समस्या ठीक है अब बीसी भुजा पर एक बिंदु डी है इस प्रकार है कि बी डी बराबर 1/3 ऑफ अच्छा एक बार बताओ तीनों भुजाएं बराबर हैं तो 1/3 ऑफ बीसी कह दो 1/3 ऑफ एबी कह दो 1/3 ऑफ एसी कह दो एक ही बात ए को डी से मिला इतना तो कर ही लोगे अब इसकी सहायता से हमें सिद्ध करना है कि AD के वर्ग का 9 गुना बराबर है किसी भुजा के वर्ग का 7 चाहे AB भी हो सकता है या BC भी हो सकता है और AC भी हो सकता है क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं बराबर है अब इसे सिद्ध करने के लिए कुछ तो करनी पाओ खाली एक कोण 60 डिग्री पता है त्रिकोणमिति भी लगाओगे तो एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए त्रिकोणमिति लगा करके ये हल हो जाता है लेकिन त्रिकोणमिति से कराएंगे नहीं आगे बढ़ते रचना शीर्ष लंब ये शायद कल भी बताया था हमने शीर्ष लंब का क्या अर्थ है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंबता है लंब का मतलब एक ऐसी भुजा थी जिसे लंबड़ी थी कौन शीर्ष लंब ए ई खत्म हो गई बात और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सामने वाली भुजा को दो भागों में विभाजित क्योंकि शीर्ष लंब जो होता है वही माध्यिका भी होती है ठीक है क्यों करेगा विभाजित पर ये भुजा इस भुजा के बराबर ये 90-90 के बराबर और ये दोनों में उभयनिष्ठ तो कर्ण समकोण भुजा से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे जिससे पता लगेगा बी ई बराबर इसी ऊपर की समबाहु त्रिभुज में ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए हमेशा याद रखो समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब यानी जो भी शीर्ष लंब आप बनाएंगे ये वाला भी बना सकते हैं ये वाला भी बना सकते हैं शीर्ष लंब तथा माध्यिका माध्यिका के बारे में तो काफी बता चुके हैं क्या होती है किसी भी शीर्ष शीर्षलम तथा माध्यिका समपाती होती है जो शीर्षलम है वही माध्यिका होगी किसमें केवल संभव सभी त्रिभुजों में नहीं होगी केवल संभव देखो नवे का अगर कुछ याद नहीं है ये सब नवे की बातें हैं तो आप उन चीजों को डायरेक्टली रट लीजिए और समाज समझाने के लिए हमने बता दिया 90-90 के बराबर ये भुजा इसके बराबर ये इसके बराबर तो ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगम हो जाएगा
सिंप्लिसिटी से बी बराबर बी सी सी सी। उपपत्ति में अब हमें पता लग गया कि ये श्रीजलम है, यही माध्यिका है, एक ही कैसी है, अगर एक ही माध्यिका है तो ई जो है वो बीसी का क्या होगा, मध्य बिंदु। बहुत बढ़िया, मध्य बिंदु होगा। और अगर मध्य बिंदु है तो बी ई बराबर ई सी बराबर ई सी बराबर एक बटा दो बी सी। बी ई और बी सी बराबर होंगे और ये क्योंकि मध्य बिंदु तो पूरी भुजा का आधा हो, ठीक है। अब क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, अतः इसकी तीनों भुजाएं आपस में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम इसका प्रयोग करेंगे। अब देखो इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए ई बी में ए ई कोण कौन सा, ये 90 है, कोण ए ई बी बराबर 90 डिग्री। और अगर ये 90 है तो 90 के सामने कौन होता है, कर्ण। कर्ण तो पाइथागोरस भी लग जाएगा, कर्ण का वर्ग क्या नहीं, ए बी का वर्ग बराबर ए ई का वर्ग प्लस बी का वर्ग। ए बी को तो ए बी रहने देते हैं, ए ई का वर्ग और बी किसका आधा है, ये अगर ना बच्चे हमें एक बटे दो बीसी का वर्ग कर देते हैं, मतलब ब्रैकेट नहीं लगाते, उससे क्या है दो का वर्ग चार नहीं हो पाता, ये पे क्वेश्चन गलत किया, इसे जब मान रखेंगे तो ब्रैकेट लगा, ये कितना आ गया भाई, ए का वर्ग एक हमने पहले बता दिया था कि थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, बताया था परेशान होने की आवश्यकता नहीं, हमें उत्तर किस में लाना है, ए बी और ए डी, बाकी से हमको मतलब नहीं रखते, हमें कौन चाहिए ए बी और ए डी। तो बी सी को तो ए बी लिख सकते हैं क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, बी सी को क्या लिख सकते हैं ए बी, तो ए बी तो ए बी रहा, ए ई ए ई रहा और बी सी की जगह हमने लिख दिया ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी बराबर है बी सी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज था, तीनों भुजाएं आपस में बराबर, सब चीजें जुड़ी रहेंगी, एक भी चैन टूटी, एक भी लिंक टूटा, क्वेश्चन गया, सब जुड़े रहेंगे, सब एक साथ दिमाग में घूमता रहना चाहिए, समबाहु त्रिभुज था, श्रीजलम था, वही माध्यिका थी, माध्यिका सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने से बनती है, इसका मतलब ये मध्य बिंदु होगा, ये मध्य बिंदु तो ये भुजा इसके बराबर होगी, समझे, और ये पूरी की आधी होगी। अब यहाँ से दिमाग में एक बात रखनी है कि ए बी और ए डी के अलावा बाकी किसी बात से मतलब, तो ए बी एक तरफ कर लो, अब चार एलसीएम ले लो, चाहो तो इसे चार से गुणा चार से भाग करो, बटे में एक लिख के चार से गुणा चार से भाग, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, चार बी कितना आ जाएगा, चार ए बी का वर्ग माइनस ए बी स्क्वायर, और चार में से एक का कितना बचा, तीन ए बी स्क्वायर, चार चार गुणा बी स्क्वायर, समीकरण नंबर ये हो गई, ये हमारे काम की है, ये तो हमने बनाई, इसी को गायब कर दो, कैसे गायब होगी, ये वाला त्रिभुज तो ले लिया, अब ये वाला लेते हैं, कौन सा ए ई बी, त्रिभुज ए ई बी में हम देख रहे हैं कोण ई जो है वो कितना है, तो इस बार 90 के सामने ये कर्ण हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कर्ण का वर्ग ए बी का वर्ग बराबर बी ई का वर्ग प्लस ए ई का वर्ग, ए ई का वर्ग कौन से प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, और ये वाली भी यहाँ पर आप चाहो तो लिख लो, इको लिखते हैं ताकि हमें पता रहे ये कहाँ से आई कहाँ नहीं, ठीक है। चलो अब ए ई का मान निकाल दो, ए ई का मान कितना है, तीन ए बी स्क्वायर बटे चार, अगर यहाँ रख देंगे तो ए ई गायब हो जाएगा, हो जाएगा ए बी का मान किसके पदों में आ जाएगा, ए डी के पदों में, ए डी हमें चाहिए, कौन बची समस्या, केवल डी ही समस्या है और कोई समस्या नहीं है, तो ए डी तो ऐसे डी ई को क्या लिख सकता हूँ, डी ई को बी सी कैसे लिख देंगे, डी सी डी ई को लिखेंगे क्योंकि बी डी का मान दे रखा है एक बटा तीन, तो
तो डी को मैं लिख सकता हूँ बीई माइनस बी डी, क्योंकि डीई बराबर है बीई माइनस डी डी। बात समझ आ रही है? इस पूरे में से इसको मिटा दो तो ये तो बचेगा, इस पूरे में से बी डी मिटा दो तो डी तो बचेगा। तो डी का मान आ जाएगा कितना, बीई माइनस और बी डी कितना है, कितना दिया बी डी तो नहीं करता तो भाई ये अलग है थोड़ा, इसको थोड़ा और इधर बदल लेंगे, नहीं हो सकता तो हम परेशान करें, क्योंकि ना बी डी ई बराबर बी बी माइनस बी डी और बस इतने का भी, और बी ई बराबर है हाफ बी सी और ये सब हमारी जानकारी है, कुछ मेहनत से प्राप्त करिए कुछ पहले से रखिए। चलो इसमें एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेने का तरीका दोनों को गुणा कर लो, किंतु नहीं ये वाली संख्या यहाँ लिख दो तीन बी सी माइनस ये ऐसे बताया था, तीन में से दो का कितना बचा बी सी बटा छः का, तो बी सी को क्या लिख सकता हूँ बी सी, अब आंसर तो ए बी में चाहिए, जहाँ बी सी आ रहा हूँ क्या लिखते हैं ए बी, क्योंकि बी सी ए बी तो ए बी बटे छः का वर्ग, और ए का मान कितना है थ्री ए माइनस चालीस, और ए का वर्ग जो है वो मेरे पास कितना है थ्री ए बी स्क्वायर बटे चार, ये भी लिख देते हैं थ्री, अब कितना हो गया भैया ए बी का वर्ग बटे छत्तीस प्लस तीन ए बी का वर्ग बटे चार, इसका भी छत्तीस बना लो नीचे, कैसे बचा लेते हैं नौ से गुणा कर लो ऊपर नीचे, वो दिक्कत इसमें कितना आ गया ए बी का वर्ग कितना हो गया ताईस ए बी का वर्ग, और ऐसे कितना आ रहा है छत्तीस, ए डी का वर्ग आ गया सत्ताईस, और अट्ठाईस ए बी का वर्ग बटे तो काट दो, किससे कट रहा है दो से, कितनी बार चार से कट रहा है, चार से अट्ठाईस चार ने नौ, इधर गुणा करें दिक्कत